वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। 1 अप्रैल को भले ही पूरी दुनिया अप्रैल फूल डे मनाती हो, मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दिन बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम पंत हेडगेवार का जन्म हुआ था। जी हां, वही संघ जिस पर कांग्रेस अंग्रेजों के साथ अच्छे रिश्तों का इल्जाम लगाती है। मगर क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया के बर्थडे सेलिब्रेशन का संघ की स्थापना से बड़ा गहरा नाता है? क्या है वो नाता, बता रहे हैं जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। बात 22 जून 1897 की है। देश पर ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया का 60वां जन्मदिन था। पूरे देश के साथ साथ नागपुर के सरकारी स्कूलों में मिठाइयां बांटी जा रही थी। 8 साल के केशव को भी मिठाई मिली, मगर मिठाई फेंक कर वो बच्चा उदास मन से अपने घर चला गया। H.V. शेषाद्री अपनी किताब डॉक्टर हेडगेवार द एपिक मेकर में लिखते हैं, घर वालों ने पूछा, केशव क्या तुमने मिठाई नहीं खाई? केशव ने जवाब दिया, मिठाई मिली थी, लेकिन इन अंग्रेजों ने हमारे भोसले खानदान को खत्म कर दिया और हम इनके समारोह में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। डॉक्टर शेषाद्री का कहना है कि उसी दिन केशव ने मन ही मन भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों को ज्यादा अहमियत देने का मन बना लिया था। डॉक्टर हेडगेवार की बायोग्राफी डॉक्टर हेडगेवार द एपिक मेकर में H.V. शेषाद्री 1901 के एक और किस्से का जिक्र करते हैं, जब देश में ब्रिटेन के राजा एडवर्ड 7वें के राज्यारोहण का जश्न मनाया जा रहा था। 12 साल के हेडगेवार ने उसका विरोध करते हुए कहा था कि विदेशी राजा के राज्यारोहण का जश्न मनाना हमारे लिए शर्म की बात है। हेडगेवार पर लिखी गई किताब डॉक्टर हेडगेवार एक अनोखा नेतृत्व के मुताबिक 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में पैदा हुए डॉक्टर केशव राव बलिराम पंत हेडगेवार के सिर से माता और पिता का साया 13 साल की उम्र में ही हट गया था। शुरुआती पढ़ाई नागपुर में ही हुई, मगर वंदे मातरम गाने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया तो आगे की पढ़ाई के लिए पुणे चले गए, जहां उनका संपर्क हिंदू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष B.S. मुंजे से हुआ, जिन्होंने मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए हेडगेवार को कोलकाता भेज दिया। 1915 में नागपुर लौटने के बाद हेडगेवार कुछ समय के लिए कांग्रेस से भी जुड़े। असहयोग आंदोलन में जेल गए, मगर अचानक से आंदोलन की वापसी ने कांग्रेस से उनका मोह भंग कर दिया। 1923 में हुए सांप्रदायिक दंगों ने हेडगेवार का झुकाव उग्र हिंदुत्व की तरफ कर दिया। इस दौरान वो विनायक दामोदर सावरकर के संपर्क में आए और उन्हीं से प्रभावित होकर 1925 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। RSS के दिग्गज कहते हैं, हेडगेवार लोगों को तर्कशीलता से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करते थे। डॉक्टर राहुल शास्त्री अपनी किताब डॉक्टर हेडगेवार शीर पैट्रियट एंड बिल्डर में एक घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि संघ की स्थापना के शुरुआती दिनों के दौरान एक सभा में एक नौजवान ने चिढ़कर हेडगेवार से पूछा, कौन मूर्ख कहेगा भारत हिंदू राष्ट्र है? इस पर हेडगेवार ने यह कहकर बहस खत्म कर दी कि मैं केशव बलिराम हेडगेवार कहता हूं कि ये एक हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर शास्त्री लिखते हैं, हेडगेवार के शब्दों ने सभा में मौजूद लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया और सभी लोग संघ में शामिल हो गए। संघ संस्थापक की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।